सर आप ही के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जाता है कि NSA में पैसों के आधार पर टिकट दी जाती है, पैसों जिसके पास ज़्यादा पैसे उसको टिकट मिलेगी, ये आप ही के कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसे आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस तरह के आरोपों के जवाब में ही हमने एक साधारण परिवार की, किसान परिवार की बच्ची को हमने पिछली बार हमारा प्रत्याशी बनाया, उसे हमने चुनाव लड़ाया और पूरे NSA परिवार ने एकजुट होकर एक मजबूत चुनाव लड़ा, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो वैचारिक रूप से मजबूत है, जो वैचारिक रूप से अपने आप को कार्यकर्ता मानकर भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को मजबूत करने वाली इस विचारधारा के साथ खड़ा है, हमारे लिए उसको प्राथमिकता है। और इसी के मद्देनज़र हमने पिछली बार एक साधारण किसान परिवार की बच्ची को हमने हमारा प्रत्याशी बनाया। बेशक चुनाव हम नहीं जीत सके, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी तरह से इस बात का कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमने बहुत एक मजबूत प्रत्याशी को, हमने एक योग्य प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, उसे अपनी पार्टी का चेहरा बनाया और आगे भी हमारी यही कोशिश है, यही प्रयास है हमारा कि इसी तरह के कार्यकर्ताओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, उन्हें प्लेटफॉर्म दें। और ठीक है, हमें समय लग रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को ये समझाने में कामयाब होंगे कि हमारे लिए वैचारिक रूप से मजबूत रहने वाले लोग ही हमारी प्राथमिकता हैं, तो सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। सर, आप इस बात को सिरे से नकारते हैं कि पैसों के आधार पर कोई टिकट नहीं दी जाती? इससे बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं है आपके सामने कि जब एक ऐसी साधारण किसान परिवार की बच्ची चुनाव लड़ी है आपके सामने। आप NSA के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन सर आप प्रदेशाध्यक्ष हैं बावजूद उसके पिछली बार आपने जो टिकट दिया था ऋतु बराला जी को, वो भी चुनाव हार गई। उससे पहले भी दो तीन बार ऐसा ही हुआ है। NSA और ABP दोनों जो बड़े संगठन हैं, इनके दोनों जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव हार रहे हैं, क्या बड़ी वजह मानते हैं आप इसके पीछे? खैर, वजह तो कई हैं इसमें होने को। कोई भी काम होता है तो उसकी कोई एक वजह नहीं होती, और कोई काम नहीं होता तो उसकी भी कोई एक वजह नहीं होती। काम होने के और नहीं होने के पीछे कई वजह होती। मुख्यतः हमने जो पिछली बार चुनाव छोटी बहन ऋतु को लड़ाया, तो NSA परिवार की ये इच्छा थी कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएं जिसे संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, जिसे सब लोग जानते हों, और सब लोगों की यही मंशा थी कि जो एक विश्वविद्यालय में धन बल और बाहुबल की राजनीति लगातार देखने को मिलती है, ऐसे में संगठन एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाकर संगठनात्मक संदेश दे। दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि आज एक लड़की जो कि बड़े ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है, पढ़ने लिखने के लिए जयपुर में आई, यहाँ महारानी महाविद्यालय में उसने प्रवेश लिया। आप मान के चलिए कि इस प्रदेश में जो बहनें अपने स्कूल की जो मेरिट होल्डर जो बहनें होती हैं, वो ही यहाँ महारानी में प्रवेश ले पाती है। बिल्कुल, महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ एडमिशन लेकर प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में उसने बच्चियों का प्रतिनिधित्व किया, वहाँ महारानी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष बनी। थ्रू आउट मेरिट क्लास स्टूडेंट, अगर वो पढ़ाई लिखाई भी करती तो नो डाउट अपना करियर वो पढ़ाई लिखाई में भी चुन सकती थी। इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर भी है वो, इसके बावजूद सारी दूसरी प्रतिभाएं होने के बावजूद अपनी सोच और समझ से उसने राजनीति के रास्ते को चुना कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ना है, मुझे बहन बेटियों की, ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ बनना है, और चुन के उसने NSA की विचारधारा को चुना। और लगातार पिछले 3-4 साल से वो NSA की विचारधारा को मजबूत करने का काम अपने स्तर पर कर रही थी। मेरा ये मानना है कि जो इतने विपरीत हालातों में बिना किसी साधन संसाधन के, जहां आज मनी पावर और मैन पावर इतना मायने रखने लग गया छात्र राजनीति में, उसके बावजूद सीमित
साधनों के साथ में एक असीमित इरादा लेकर वो इन इरादों से लड़ रही थी, जूझ रही थी, जो संघर्ष उसने किया। मेरा निजी तौर पर मानना है आज कोई भी छात्र संगठन हो तो उसे इस तरह की प्रतिभाओं को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, ज़रूर तरजीह देनी चाहिए। सर, आप उस हार की वजह को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? लगातार 3-4 बार से आप हार रहे हैं, NSA नहीं बना पा रही अपना प्रत्यक्ष विजय वहाँ पे, तो सर वो कारण, वो कहते हैं ना, वो जड़ पे नहीं जा पा रहे, वार नहीं कर पा रहे वहाँ पे, क्या हार की वजह क्या मानते हैं? मोटी हमारी मुख्यतया जो समस्या पिछले है कुछ समय से वो यही है कि जब प्रत्याशियों का हम चयन करने के बाद में हमारे जो विचारधारा के जो दूसरे लोग, जब उन्हें टिकट नहीं मिल पाती और वो जाके चुनाव लड़ते हैं, तो उससे जो हमारा एक वैचारिक वोट बैंक है वो डिवाइड होता है। उसको लेकर हमें थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। पिछली बार हमने काफ़ी हद तक ठीक करने का प्रयास किया, और कोई कमियां रही है तो उसमें और सुधार कर और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप ही के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जाता है कि NSA में पैसों के आधार पर टिकट दी जाती है, पैसों, जिसके पास ज़्यादा पैसे उसको टिकट मिलेगी, ये आप ही के कार्यकर्ता कहते हैं? ऐसे आरोप